तो वहीं अगली खबर कोटा जिले से है, जहां संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने सोमवार को नयापुरा जेडीबी कॉलेज परिसर में पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया और पूरे संभाग के मतदाताओं से 26 अप्रैल को मतदान करने की अपील की। इसी क्रम में संभागीय आयुक्त राजौरिया ने सभी काउंटरों पर जाकर ईवीएम और वीवीपैट संचालन की प्रक्रिया की जानकारी ली और कहा कि मतदान करके लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी निभाएं ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। इससे पूर्व जेडीबी कॉलेज परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के चल रहे प्रशिक्षण शिविर का जायजा लिया और सभी कर्मचारियों से कहा कि वह पूरे मनोयोग के साथ मतदान प्रक्रिया को समझे और 26 अप्रैल को शांतिपूर्ण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में अपना सहयोग करें। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। महापर्व में आज मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसके साथ ही सभी कोटा संभाग के मतदाताओं से अपील करना चाहती हूँ कि आपका बहुत बड़ा अधिकार है और आपका पुनित कर्तव्य भी है कि लोकतंत्र में जो हमें सबसे बड़ा अधिकार मिला है वो है वोट डालने का, अपने पसंद की सरकार चुनने का। तो सभी मतदाता चाहे कितने भी ज़रूरी काम हो उन सबको भी छोड़कर 26 अप्रैल को बूथ पर आएं और अपने मतदान करने के अधिकार का प्रयोग करें। यह हमारे सरकार के गठन में एक नागरिक की भूमिका को दर्शाता है कि कितना महत्व है हमारे वोट डालने का। तो सभी आइए 26 अप्रैल को और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करिए।